नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डीपी पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्रिमिनल केस का गवर्नमेंट जॉब पे क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि इस पे मैं कई वीडियो बनाया हूं, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके उस वीडियो को सुन सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सबसे ज़्यादा अगर कमेंट किए गए हैं तो इस तरह के ही प्रश्न किए गए हैं कि मेरी उम्र 15 साल की थी, 16 साल की थी, मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया, मैं कोर्ट से बरी हो गया, कोई कहता है मुझे सजा हो गई, कोई कहता है मुझे अर्थदंड लगा के छोड़ दिया गया, कोई कहता है मैंने जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुझे छोड़ दिया गया, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस समस्या से लेकर लोग परेशान रहते हैं और परेशान होंगे भी, क्योंकि ये ऐसी बात ही है, उनको लगता है कि मैं यदि तैयारी करता हूँ गवर्नमेंट जॉब की तो पता नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। और ऐसी अफवाहें भी रहती हैं, ऐसा रहता भी है कि उन्हें उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चलाए जाते हैं या चले होते हैं या जिनके ऊपर दोष सिद्ध हुआ रहता है। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग जो इन समस्याओं को लेकर परेशान हैं या जिनके ऊपर इस तरह के क्रिमिनल केस कभी चलाए गए थे, FIR दर्ज हुई थी या बरी हुए थे या उन पे दोष साबित हुआ था, उनके लिए एक अच्छी खबर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दिया था। मामला ये था कि एक शख्स का CISF के सब इंस्पेक्टर के पद पर सिलेक्शन हुआ था, लेकिन पुराने रिकॉर्ड के अनुसार जब वह नाबालिग था तो उस पर आपराधिक मुकदमा चलाया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग रहने के दौरान यदि कोई अपराध हुआ है और वह अपराध सही पाया गया तो उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब अपराध हुआ था तो वह व्यक्ति नाबालिग था। इस तरह से हाई कोर्ट के एक फैसले को, जिसे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि यदि किसी नाबालिग रहने के दौरान, नाबालिग रहते हुए कोई अपराध हुआ है जिसमें सजा हुई है या सजा नहीं हुई है, तो किसी शख्स को सरकारी नौकरी से रोका नहीं जा सकता। तो मुझे यकीन है कि आज के इस वीडियो से और पूर्व में मैंने जो वीडियो अपलोड की हैं, उन सारी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि गवर्नमेंट जॉब पर क्रिमिनल केस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और खासकर यदि नाबालिग का कोई मामला है तो उसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ता। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, यदि आपका कोई सवाल होगा तो हमें कमेंट करिएगा, मैं जब भी समय मिलेगा तो आपके उन सवालों का जवाब दे सकूंगा और किसी नई वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।